का। अच्छा, तो ये डिब्बा काय का गाड़ रखा है चौरसिया जी? सर इसमें बर्मी वास आती है जो पॉलीथिन से केचुए खाद के उससे बर्मी वास आती है। देखो ये बर्मी वास जी इनको ये पाइप के द्वारा हम देख रहे हैं कि जी हमारा बर्मी कंपोस्ट पिट बना हुआ है पॉलीथिन का एक, और एक जी इधर आगे बना है दूसरा, और जब भी इसमें ये पानी डालते हैं तो एक पाइप के माध्यम से, और ये पाइप इनका ये आकर के यहाँ देख रहे हैं जी निकला हुआ है, और प्लास्टिक के ड्रम में ये इकट्ठा हो रहा है, और ये बहुत बढ़िया तत्व उसमें छुपे हुए रहते हैं जो हमारे चौरसिया जी बता रहे हैं कि ये अमृत का काम कर रहा है हमारी फसलों के लिए। तो कौन कौन सी फसल में डाला है इसमें? सभी में डालते सर, टमाटर में भी डालते हैं। अच्छा, मिर्चा में भी, मिर्चा में डाला है, बहुत बढ़िया। और तो, सर ये स्प्रे के काम में भी आ जाता है, वो आधार के रूप में भी काम। अच्छा, स्प्रे भी करते हैं जी? और सर इससे कुकरा भी कंट्रोल होता है, मिर्चा का कुकरा भी कंट्रोल होता है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे क्षेत्र के किसान के लिए बहुत बढ़िया जैविक तत्व मिला है, और ये हमारे चौरसिया जी बताते हैं कि कई किसान इसको आते हैं और पूछ करके अपने यहाँ अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। ये देख रहे हैं कि बर्मी कंपोस्ट खाद रखी हुई है जिससे कि केंचुए और खाद अलग की गई है, और ये बर्मी कंपोस्ट पिट बनाए गए हैं। तो ये बर्मी बास जो हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं उनके लिए ये एक जानकारी है। तो मैं डॉक्टर बीपी सूत्रकार, अनुभवी कृषि अधिकारी, छतरपुर, मध्य प्रदेश।